फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि गुप्ता किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी आलू। आलू तो किंग ऑफ वेजिटेबल्स है, इसको हम बहुत तरीके से बनाते हैं, लेकिन ये अचारी आलू बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका वीडियो। अचारी आलू बनाने के लिए मुझे चाहिए, मैं ये चार उबले हुए आलू हैं इनसे बनाऊँगी। मैंने एक टमाटर लिया है, इसके लिए एक ही टमाटर सफिशिएंट रहेगा। और मैंने मसाले लिए हैं, इसमें स्पेशल मसाले डलते हैं। एक तो मैं ये सौंफ लिया है, सौंफ डलेगा, और ये अमचूर पाउडर है, खटाई, ये कलौंजी है, कलौंजी देखिए ये अचारों में डालते हैं हम लोग कलौंजी, ये कसूरी मेथी है, ड्राई मेथी लीव्स, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, हल्दी और तेल जिसमें मैं बनाऊंगी। ये सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। अचारी आलू बनाना मैं शुरू कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जो सौंफ ली है वो मोटी लेनी है, बारीक सौंफ से नहीं बनेगा, टेस्ट दूसरा आता है। गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है मैंने। मैंने आलू जो चार लिए थे उनको काट लिया है, और टमाटर को कद्दूकस कर लिया है, या आप पीस भी सकते हैं मिक्सी में। अब पहले मैं 2 चम्मच तेल डालूंगी, कोई भी आप कुकिंग ऑयल जो यूज़ करते हैं वो आप डाल लीजिए, उसे 3 चम्मच डाला है। इसमें हमने जीरा नहीं डालना है, इसमें हम सौंफ डालते हैं, जीरा नहीं डालते हैं, तभी उसमें अचार का टेस्ट आता है। ये सौंफ को भी थोड़ा बारीक कर लिया है मैंने, मिक्स है ये, मोटी पतली मिक्स कर दी है, थोड़ा सा पीसा है इसको मोटा दरदरा। अब मैं इसमें पहले टमाटर डालूंगी, टमाटर को भून लेते हैं थोड़ा देर। आप टमाटर नहीं डालना चाहें तो भी आप बना सकते हैं, टमाटर से थोड़ा लटपटे बन जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। टमाटर हमारा भून जाएगा जल्दी, टमाटर भून गया, देखिए उसने अपना तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें मसाले डालती हूँ, हल्दी डाल दें, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच कलौंजी, कलौंजी भी ज़रूरी है, इसी से अचार का टेस्ट आता है, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक आलू के हिसाब से आप देख लीजिए, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, कसूरी मेथी हम बाद में डालेंगे, थोड़ा मैं देगी मिर्च होता है ये कश्मीरी मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, ये भी मैं थोड़ा डाल रही हूँ, इससे तीखा नहीं बनता है लेकिन कलर अच्छा आता है। सब मसाले डाल के मैं थोड़ा सा भून लेती हूँ। मैंने जो ये चार आलू काट के रखे थे मीडियम साइज के लिए थे, उनको मैं डाल रही हूँ इसमें। ये बहुत स्वादिष्ट आलू बनते हैं, पूरी पराठे के साथ आप खाएं। तेल आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं डालती हूँ, तो मैंने इसलिए 2 से 3 चम्मच ही डाला है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल दूसरे आलू जो डिफरेंट हम बनाते हैं सिंपल, उससे बिल्कुल डिफरेंट बनता है ये आलू। कभी आप गेस्ट आएँ तो आप ये आलू दो बना के देखिए, उनको सर्व कीजिए, देखिए सबसे अच्छे से कोट हो गया मसाला, ना टेम्पटिंग लग रहे हैं ये आलू, बस 2 मिनट इसको भूनना है। ये तैयार हो गए हैं,
मैं थोड़ा कसूरी मेथी भी डाल दी हूँ, ड्राई मेथी लीव, इससे अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। मिक्स कर दीजिए, गैस ऑफ करके अब मैं इनको बाउल में निकाल लेती हूँ। सर्विंग बाउल में मेथी भी ज़रूर डालिए, इससे इसका फ्लेवर और एनहांस हो जाता है। देखिए वाओ, ये टेम्पटिंग आलू तैयार हो गए हमारे। अब मैं इस पर थोड़ा सा हरा धनिया भी स्प्रिंकल कर रही हूँ। सर्व करते समय आप डाल दीजिए, आपके अचारी आलू रेडी हैं। खुद भी खाइए, औरों को भी सर्व कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अचारी आलू तैयार हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।